नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट नौकरी चैनल में। और हम बात करें एक बार फिर से एक बड़ी दुर्घटना के बारे में। जी हां, महाराष्ट्र में निकल कर आ रही एक बड़ी दुर्घटना नासिक से, तो जानेंगे अब इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नासिक जिले के मालेगांव 40 गांव मार्ग पर गिराव के पास टेम्पो पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना में 15 लोग घायल हुए हैं, इनमें से 4 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायलों का मालेगांव के सिविल अस्पताल, कलावती अस्पताल और सुविधा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि दुर्घटना में मृतकों की पहचान बंसीलाल राधे पाटिल 45 वर्ष, लीलाबाई पोपट पाटिल 65 वर्ष, कांतिलाल पोपट पाटिल 50 वर्ष और आपाजी जालम पाटिल 65 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मुंडेखेड़े बुद्रुक के पोपट मेहरू पाटिल अपने परिवार के साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद टेम्पो पर सवार होकर चंदनपुर से लौट रहे थे। दुर्घटना का शिकार हुए टेम्पो में तकरीबन 25 लोग सवार थे। तो बता दें कि लगातार ट्रैफिक से जुड़े नियमों का पालन नहीं होने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने निकल के आ रही है। तो सड़कों पर अगर आप टेम्पो, रिक्शा, बाइक सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्मार्ट नौकरी आपके लिए लेकर आता है महाराष्ट्र और मुंबई की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आपके लिए।